जी दोस्तों, अकमल आपके साथ मौजूद और आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में और इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की शायद मैं टेंसेस में पहले बात कर चुका हूँ कि ऐसे फिक्र है जिसमें आप हुक्म, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, धमकी, सजेशन वगैरह देते हैं। आप कहते हैं ओपन द डोर, राइट, ईट फूड, कम इन टाइम। तो जिसमें ऐसे फिक्र है जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, आपके हेल्पिंग सॉरी वर्ब से शुरू होता है और उसमें ऑब्जेक्ट आता है। कम इन टाइम में क्या होता है कि सिर्फ वर्ब आया है और आगे टाइम के बारे में बात की गई है। ओपन द डोर यानी कि वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि हम इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच लिखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कम इन टाइम। He said to me, come in time. अब रिपोर्टिंग स्पीच में आप क्या करते हैं, या आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट अगर पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस तब्दील होता है, ये आपको पता है। लेकिन अब ये याद रहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और उसका रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस का उसके ऊपर असर नहीं होगा। प्रोनाउंस जरूर तब्दील होंगे और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये बात उसने ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया या धमकी दी है, जो भी किया है आप उसके मुताबिक उसको चेंज करेंगे। तो ये उसने कहा कम इन टाइम, तो ये ऑर्डर है, हम इस सेड को चेंज कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी। यहां पर हम डैट लगाते थे या कुछ और चीजें लगाते थे, अब यहां पर हम लगा रहे हैं टू, ऑर्डर्ड मी टू। ये टू करके बाकी आप वर्ब उसी तरह से टू कम इन टाइम, बाकी आपका वर्ब सेम रहेगा। ही ऑर्डर्ड मी टू कम इन टाइम, ही ऑर्डर्ड मी टू कम इन टाइम, राइट। और एक और लिखते हैं, शी सेड टू मी, प्लीज गिव मी सम मनी। शी ऑर्डर मी प्लीज गिव सम मनी। अब यहां पर प्लीज आ गया तो ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है, सजेशन नहीं है। तो हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे, शी ऑर्डर की बजाय अब क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा इन्वर्टेड की बजाय कॉमा की बजाय टू आ गया, टू हेल्प। अब इसमें प्लीज वगैरह या इस तरह के जो रिक्वेस्टिंग बिहेवियर्स हैं वो नहीं आएंगे। टू हेल्प, सॉरी टू गिव मी, गिव होगा तो गिव का वर्ब सेम रहेगा, टू गिव वर्ब सेम रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। मी है तो मी की जगह रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका सब्जेक्ट आपका इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, डोमिनेट कर देगा, मी की बजाय शी आ जाएगा, शी का पोजेसिव फॉर्म आएगी, टू गिव हर सम मनी। इम्पेरेटिव सेंटेंस पर काफी कुछ कहा जा सकता है, काफी इसके अंदर सेंटेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट, ऑर्डर, धमकी, इसमें प्लीज और इस तरह के जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो हम रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल नहीं करेंगे। फाउंडेशन कोर्स में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन की हद तक काफ़ी है, क्योंकि आपका जब ये चीज़ें फाउंडेशन बन जाएगी, चीज़ें आपको नॉलेज होगा कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, सिर्फ नामों से आप वाकफियत होगी, टाइप से आपकी वाकफियत होगी, तो हम प्रोफेशनल और VIP कोर्स में जाके इसको हम डिटेल से डिग डाउन करेंगे और उसको प्रोफेशनल हम राइटअप में लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझ पाए होंगे। बाकी आप मैं कोशिश करूँगा नोट्स में इसकी मजीद डिटेल डाली जाए, और आप वक्तन फक्तन प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर लैंग्वेज सुनने में, बोलने में और पढ़ने में आती है, तो उसमें आप
अब गौर कीजिएगा जहां जहां कहीं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेज नजर आए और उनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिएगा। मैं अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।